हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कई लोगों ने कई कई कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो हम भी अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो कई बेसिस पे हम करते हैं, जैसे फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ग्रांट एंड परचेज प्राइस, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट, और डाल्टन का भी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर का। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से तीन जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, जो कि रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो बचे हुए जो बाकी के हैं उनको भी हम दो वीडियो में डिवाइड करके आपको बच्चों को पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, मतलब गवर्नमेंट कई चीज़ों पर अपने पैसे खर्च करती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड करने का बेस ये है कि उसका असर लायबिलिटी और असेट्स पे क्या पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर देती है, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी से पैसा उधार लिया था, उसको चुकाने में गवर्नमेंट ने पैसा खर्च कर दिया, तो उससे हमारी लायबिलिटी जो है वो घटेगी। तो डेफिनेटली ये जो लायबिलिटी घटेगी, या मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया स्कूल बना दिया, ब्रिज बना दिया, तो इससे असेट्स बढ़ेगा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के उन एक्सपेंडिचरों को शामिल किया जाता है जिसके की वजह से गवर्नमेंट की जो असेट्स है वो या तो बढ़ जाएगी या गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो घट जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे गवर्नमेंट की असेट्स बढ़ती है और लायबिलिटी घटती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया है, तो लोन देना भी तो एक तरीके का, मतलब लोन लेना तो लायबिलिटी है, लेकिन जब हम लोन देते हैं तो वो भी हमारी असेट्स होती है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई ब्रिज बनाया है, कोई मशीन खरीदी है, कोई एरोप्लेन खरीदा है, तो ये सारे के सारे जो खर्चे, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन पे पैसा खर्च किया है, तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट की असेट्स को बढ़ाएंगे। इसी तरीके से मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी डोमेस्टिक मार्केट से लोन लिया है और गवर्नमेंट के पास इतना सरप्लस है कि गवर्नमेंट उस लोन का पेमेंट करना चाहती है, तो इस तरीके का जो भी एक्सपेंडिचर है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, इससे क्या होगा, असेट्स क्रिएट होगी। रीपेमेंट ऑफ लोन से क्या होगा, इससे लायबिलिटी जो है वो घट जाएगी। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये जो होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब ये हुआ कि ये रेगुलर इनकम के सोर्स नहीं होते, रेगुलर एक्सपेंडिचर के सोर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको जो मेनली जो इसका जो मेन रिसोर्स है वो है एक्विजिशन ऑफ असेट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सोर्स है। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट को कई सारे एक्सेस एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पर हो, चाहे वो देश की सुरक्षा पर हो, चाहे वो सब्सिडी के रूप में देना पड़ रहा हो, चाहे वो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में देना पड़ रहा हो, जिससे कि किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की जो असेट्स है वो क्रिएट नहीं होती और ना ही गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो किसी भी तरीके से डिक्रीज आती है। तो मान लीजिए गवर्नमेंट बहुत सारे, देखिए आप, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, गवर्नमेंट को बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ पहुँचानी पड़ती हैं, ओल्ड एज पेंशन देनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है या गैर जरूरी है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके द्वारा जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी उससे जो असेट्स है वो ना तो क्रिएट होगी और ना ही लायबिलिटी में किसी तरीके की कमी आएगी। यानी कि आप एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इससे असेट्स क्रिएट होती है और लायबिलिटी डिक्रीज होती है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी तरीके के असेट्स क्रिएट नहीं होगी और ना ही लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, सब्सिडी है, ग्रांट्स है, जैसे सैलरी है वो पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने डेली डिपार्टमेंटल, अपना डेली जो बिजनेस है, बिजनेस मेरा मतलब है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस नहीं एडमिनिस्ट्रेशन है, तो गवर्नमेंट को अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कई सारे खर्चे करने पड़ते हैं और करने भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे जो होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही
आते हैं। इसके अलावा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो होता है एक तरीके का रिकरिंग नेचर का, मतलब वो बार बार आपको हर बार खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा बच्चों देखिए एक और तरीके का हम इसी को डिवाइड करते हैं, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कुछ लोग इसको प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग करती है, हमारे देश में 5 ईयर प्लान है, कुछ सालों में 1 ईयर प्लान और 3 ईयर प्लान भी रहा है, तो नॉर्मली 5 ईयर प्लान ही है। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई एक्सपेंडिचर करती है जो उन्हीं चीजों पर खर्च किया जाता है जो कि उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है, यानी कि गवर्नमेंट ने उसकी प्लानिंग पहले से कर रखी है, उसी पे गवर्नमेंट कैसा खर्च करेगी, तो उसको कहेंगे प्लान एक्सपेंडिचर। और अगर गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके का प्लान नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को इमरजेंसी में ये पैसा खर्च करना पड़ता है, किसी मजबूरी में ये पैसा खर्च करना पड़ता है, तो इसको आप कहोगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे गवर्नमेंट रोड बनाती है, सड़क बनाती है, पुल बनाती है, तो गवर्नमेंट पहले से प्लान कर लेती है कि इन चीज़ों पे कितना पैसा वो खर्च करेगी। लेकिन मान लीजिए कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई, सुनामी आ गई थी, अब देश में कोरोना का प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कई लेवल पे बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो खर्चा है ये किस मद में आएगा, किस आइटम में आएगा, इसको हम कहेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे डिफेंस पे जो पैसा खर्च करना पड़ता है, कोई लड़ाई हो गई उस पे पैसा खर्च करना पड़ता है, ये सारा का सारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। यानी कि एक्सपेंडिचर तो वही है, चाहे आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड कर दो, चाहे आप उसको प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कह दो। इसी तरीके से कुछ लोग इसको कहते हैं डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो होता है जिससे कि देश का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे पैसा खर्च कर रही है, एजुकेशन पे खर्च करती है, हेल्थ पे खर्च करती है, रोड बनाने पे खर्च करती है, बैंकिंग पे खर्च करती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे खर्च करती है, इरिगेशन पे खर्च करती है, तो ये सारे के सारे जो खर्चे हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं और गवर्नमेंट इनको करती है। लेकिन कई खर्चे ऐसे होते हैं जो कि जरूरी तो हैं लेकिन इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को डायरेक्टली वो कोरिलेट नहीं करते। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको आप सरकार देखिए एजुकेशन पे खर्च करोगे तो शिक्षा मिलेगी, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन वहीं अगर डिफेंस पे पैसा खर्च करोगे, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करोगे, पुलिस पे पैसा खर्च करोगे और आप अपना डिफेंस पे पैसा खर्च करोगे, तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर हैं ये जरूरी तो है, जरूरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट क्यों खर्चा करेगी, लेकिन ये जरूरी जो हैं वो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करते इकोनॉमिक एंड सोशल हेल्प में। तो बच्चों इस तरीके से हमने समझा कि हमारे जो भी एक्सपेंडिचर हैं उसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि और भी हम इस पर 2 टॉपिक और बनाने वाले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। बच्चों इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम काफ़ी सारे जो UG और PG और नेट की सिलेबस है वो तैयार करा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। तो बस आपको क्या करना है, मेरी ऐप डाउनलोड कर लेनी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।